एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टोरी। ठीक है, आज से हम एक टेंस की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें टेंस को हम अच्छे से समझेंगे और उसकी स्टोरी को देखेंगे कि कैसे उसका स्ट्रक्चर लगाया गया है, पहचान क्या होती है, नेगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माई नेम इज रोबोट। ठीक है, इसका नेम क्या है लड़के का? रोबोट है। ये उसका डॉगी है और इसका घर है। ठीक है, माई नेम इज रोबोट। मेरा नाम इज मीन्स है रोबोट। ठीक है, मेरा नाम रोबोट है। ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है इज एम आर वाला, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस। आगे देखते हैं, आई लिव इन दिस हाउस। ये क्या कह रहा है कि आई लिव इन दिस हाउस। मैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, रहता हूं। रहता हूं, इन मीन्स मैं, दिस मीन्स यह है। ठीक है, मैं यह घर में रहता हूं या फिर मैं इस घर में रहता हूं। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनेट, जिसकी पहचान होती है ता है, ते है, ठीक है, तू है, इस तरह से। आगे देखते हैं, दैट इज माई डॉग। वह है मेरा डॉग होता है कुत्ता। यह है मेरा कुत्ता है। ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो ये इज एम आर लग के बनेगा और वेरी बहुत ही आसान है। हिज नेम इज फिन। उसका नाम है फिन। उसका नाम फिन है। आगे देखिए, ही लाइक्स स्लिपिंग। अब देखिए, ही लगा है उसके साथ, फर्स्ट फॉर्म है और एस दिया गया है। अदरवाइज स्पेलिंग होते हैं लाइक के, एल आई के ई, लेकिन इसके साथ एस दिया गया है क्योंकि ये रूल होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट में, जब भी हम ही शी इट की बात करते हैं। ठीक है, मैं यहां लिखती हूं, जब भी हम ही शी और इट की बात करते हैं तो वी वन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं सामने वाला हमें यहीं से पकड़ता है कि इसने वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, ही लाइक्स स्लिपिंग। वह लाइक मैंने क्या होता है, पसंद करना, पसंद करता है। क्या पसंद करता है? सोना। ठीक है, वह सोना पसंद करता है। ही यूजली स्लीप्स अंडर द ट्री। वह आमतौर पर, यूजली मीन्स आमतौर पर, सोता है। ये सेंस आएगा, वह आमतौर पर सोता है, क्योंकि स्लीप के साथ एस लगा है तो हमें पता चल गया कि कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट या फिर सिंपल प्रेजेंट, दोनों बोल सकते हैं। अंडर मीन्स नीचे, द ट्री मीन्स पेड़ के नीचे, आमतौर पर वो पेड़ के नीचे सोता है। ही स्लीप्स। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब हैव है मीन्स क्या होगा, होना। कोई भी चीज आपके पास अगर होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैव लगा के बताते हैं कि आई हैव अ फ्रेंड्स, आई हैव अ बैग, आई हैव अ बॉटल। ठीक है, तो आई हैव अ, मेरे पास पास है अ लॉट ऑफ, बहुत सारे दोस्त। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स या फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, होना ही हैव है ना। आई ऑफन प्ले फुटबॉल विद देम। मैं, ऑफन होता है अक्सर, आई ऑफन प्ले। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसके साथ कोई भी एस या एस नहीं है, है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट है। लेकिन ये देखिए, यहां पर जब हम ही शीट लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आती है, लेकिन इसी में ही जब हम आई लगाते हैं, आई वी यू दे, ये भी मैं यहां पर लिख दे रही हूं, आई वी यू दे, जब ये आते हैं सब्जेक्ट के तौर पर आगे, सबसे पहले अगर ये लगते हैं तो इनके साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, और जो सेंस बैठेगा, लाइक जैसे आई गो, मैं जाता हूं, यू गो, तुम जाते हो, इस तरह से। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही गोज, शी गोज, एस लगाना पड़ेगा हमें। आया समझ में?
आई ऑफन प्ले फुटबॉल विद देम, मैं अक्सर फुटबॉल खेलता हूँ, खेलता हूँ फुटबॉल विद देम उनके साथ, ठीक है, मैं अक्सर उनके साथ फुटबॉल खेलता हूँ, क्लियर है। आई ऑलवेज कॉल देम व्हेन आई वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क, आई ऑलवेज, मैं हमेशा बुलाता हूँ, कॉल है ना, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मैं हमेशा उन्हें बुलाता हूँ, उन्हें देम, व्हेन, जब मैं चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स आई वॉन्ट टू प्ले, जब मैं चाहता हूँ टू प्ले खेलना इन द पार्क, पार्क में, जब मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ तब मैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है। आई नेवर गो टू पार्क अलोन, अब आई लगा है, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं कभी नहीं, गो है जाना होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म है आई के साथ तो जाता हूं का सेंस आएगा, कभी नहीं जाता हूं टू पार्क अकेले, ठीक है, मैं अकेले कभी भी पार्क नहीं जाता हूं। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, अब देखिए फादर की बात आई, फादर कौन है, थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और कोई थर्ड पर्सन, ही शी इट, अब फादर क्या है, ही है, बॉय है, ही, माई फादर वर्क्स, मेरे पिताजी काम करते हैं, काम करना होता है, वर्क है ना, लेकिन वर्क्स लगा है तो काम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसलिए वही रूल लगेगा, इन अ बैंक, ठीक है, एक बैंक में काम करते हैं, क्लियर है। ही यूजुअली कम्स होम लेट, वह आमतौर पर कम आना होता है, लेकिन एस लगा है तो क्या लगाएंगे, आते हैं घर लेट, ठीक है, वो देरी से घर आते हैं, ठीक है, देर से घर आते हैं। आगे देखते हैं, ही लाइक्स सिटिंग, अब यहां पर देयर आना चाहिए था, अगर वो बैंक में काम करते हैं तो देयर, ठीक है ना, यहां पे मैं टी लगा रही हूं, वह पसंद करते हैं, लाइक्स है ना, ही लाइक्स पसंद करते हैं, सिटिंग होता है बैठना, ठीक है, देयर मीन्स वहां, और पढ़ना क्या, किताबें, ठीक है, उन्हें वहां बैठना और वहां किताबें पढ़ना पसंद करते हैं वो, कहाँ, बैंक में। ही समटाइम्स स्लीप्स व्हेन ही रीड्स, वह कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी सोते हैं, व्हेन जब, या फिर सो जाते हैं, व्हेन जब ही, व्हेन ही रीड्स जब वह पढ़ते हैं, ठीक है, मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जब ही है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस एस या ई एस का यूज करना ही पड़ेगा। ही डज नॉट, अब इसको देखिए ये क्या है, नेगेटिव, जब हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो क्या होता है, ये देखिए, ही शी इट के साथ हम लगाएंगे डज, अगर नेगेटिव है तो डज नॉट आ जाएगा, और आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे डू, और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट, क्लियर है। अब ये देखिए, ही डज नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल और वॉचिंग इट ऑन टीवी, वह, अब डज नॉट, डजंट है ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म, देखिए इसकी फुल फॉर्म है डज नॉट लाइक, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, अब नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, नहीं पसंद करते हैं खेलना फुटबॉल और वॉचिंग, देखना उसे मीन्स फुटबॉल को ऑन टीवी, टीवी पर, ठीक है, वह खेलना पसंद नहीं करते हैं फुटबॉल को और ना ही टीवी पर देखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल और वॉचिंग इट ऑन टीवी। माई मदर, अब देखिए मदर की बात हो रही है, ये भी थर्ड पर्सन है, मीन्स शी है ना, माई मदर इज द टीचर, मेरी माँ है एक
क्या है? टीचर है, शिक्षक है। शी टीचिज इंग्लिश एंड शी लाइक्स हर स्टूडेंट्स वेरी मच। शी टीचिज, वैसे तो टीच के स्पेलिंग क्या होते हैं, यहां तक होते हैं टीच, है ना। अब इस पे हमें क्या जोड़ा है, ई एस, क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। वह पढ़ाती हैं इंग्लिश और उन्हें वह पसंद करती हैं अपने स्टूडेंट्स मीन्स छात्राओं को, ठीक है, छात्राओं को पसंद करती है वेरी मच, बहुत ज्यादा। क्लियर है? शी टीचिज इंग्लिश एंड शी लाइक्स हर स्टूडेंट्स वेरी मच। शी कुक्स, अब देखिए वह क्या करती हैं, बनाती हैं खाना, डिलीशियस फूड, बनाती हैं डिलीशियस, क्या होता है, बहुत ही टेस्टी मींस शानदार, स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर मी। आई लव हर सो मच। मैं लव, आई लव है प्यार करता हूं उन्हें, हर सो मच बहुत ज्यादा। बट शी डज नॉट लेट मी ईट, लेकिन वह डज नॉट लेट मी, ठीक है, लेट क्या होना है, अलाउ करना मीन्स नहीं देती है, नहीं देती है मुझे खाने ज्यादा जंक फूड, ठीक है। शी डज नॉट लेट मी ईट, वो मुझे ज्यादा जंक फूड खाने नहीं देती हैं मीन्स मुझे अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है। डज योर मदर लेट यू, क्या आपकी मॉम करती हैं, डज योर्स, देखिए क्या आपकी माँ करती हैं, योर मदर, ठीक है ना। क्या, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव, जिसमें डज बाहर आया क्योंकि मदर लगा है ना, मदर क्या है, थर्ड पर्सन है, शी है, तो डज, डज योर मदर, क्या तुम्हारी माता जी, ठीक है, अलाओ मीन्स खाने देती हैं, लेट यू, ठीक है, देती हैं तुम्हें। क्लियर है? और ये था प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और जब ही शी इट हो तो हम क्या लगाएंगे, जब आई हो तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे। तो इसके आप भी सेंटेंस बनाकर देखिए, एक एक करके कॉपी पेन लीजिए, ठीक है, जो भी सेंटेंस है, लाइक जैसे ये वाला है, मान लीजिए कि आई लिव इन दिस हाउस, मैं रहता हूं, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए और सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करें, इसी तरह से जैसे लाइक शी के साथ कोई भी थर्ड पर्सन हो, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, आपके फादर कहाँ काम करते हैं, आपके फादर की क्या लाइक हैं डिसलाइक हैं, वो आप लिखना स्टार्ट करें। एक कॉपी पेन लो और उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।